देखा कैसे हुआ पूरा बताइए घटना तो। हम लोग वहाँ पे जो है बैठे थे, इसके बाद वो आया जो है उधर आया, इसके बाद उसके पास कुछ सामान भी लिया था। कौन किधर भर्ती है तू लोग? मैं बोला इधर भर्ती हूँ। तो इसके बाद जो है बोला उधर से आया तो ये बच्चा जो है पानी लेकर जा रहा था, पानी लेकर जा रहा था उससे बाजे, इसके बाद जो है उसको घोंसने लगे, इधर घसीट के ढोंसने लगे। कहाँ घोसने? कहाँ पे? कहाँ पे? यहीं पे, यहीं से ढूंढ रहा है। ये चप्पल भी पड़ा है, प्लस यहाँ एक चप्पल नीचे है, तीसरा मंजिल है। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो जो गाड़ी फक्कर देकर फिर भगा उधर गया, पुलिस लोग दो बच्ची पकड़े थे यहाँ पे, इसके बाद उधर गया तो पुलिस लोग पकड़े उसको। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद मिश्रा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मरीज भर्ती है। कौन मरीज? वो जो चोट लगा है, हमारे भी चोट लगा है, सविता मिश्रा। कहाँ घर है आप? भैंसौड़। अच्छा, आपके ही साथ वो भी था जिसको? हाँ हाँ, हमारे साथ था। इसका क्या नाम था जिसको फेंक रहे थे? उसका नाम अभय नाथ, अभय कुमार। जबरदस्ती उसको पकड़ के लटकी थी, किसी तरह बचाई है ना, मर जाता वो। मैडम एक बार बताइए, शुरू से कब देखा आपने ये सारी घटना? क्या ये कब देखा, ये कब हुआ? अरे सुबह सुबह वही 6 बज रहा था कि 7 बज रहा था, ऐसे कुछ था। कितने लोग थे? सिर्फ अकेला हूँ था, अकेले नहीं, यहाँ पे अकेला आया था, वहाँ भी अकेला था, दो और लोग वहाँ पे नहीं थे, अकेले ही मार रहा था। कुछ असलाह भी लेके आए थे? असलाह हमने नहीं देखा। कुछ कट्टा टाइप का बता रहे हैं? हाँ यहाँ पे कर नहीं बता रहे थे लोग कट्टा, हम देखा नहीं, हमने कट्टा देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ काफी सारे बार हमने हाथ में नहीं देखा, वो आया था लिया था कि नहीं लिया था हमें नहीं पता है। तो वो जो है उसको मतलब लटका दिए थे लड़के? हाँ लड़के को लटका दिए थे और उसको मारे हैं पूरा, उसका पैर और छिल गया, जमीन में पटक पटक के मारे, उसको लटकाए थे, दो तीन लड़कियां पकड़ के घसीट के उसको ऊपर करी हैं। इस तरीके की घटना से बहुत ज्यादा मतलब इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि इतना बड़ा कांड करने के लिए, बताए सबसे सबसे खतरनाक काम है। तो डर लग रहा है ऐसी घटना? फिर बिल्कुल डर लगेगा भाई, और लोग बचाने जाए उस पर भी हमला कर दे। सरोज गुप्ता। आज का बताएं, कल का? आज का यहाँ लड़के, एक आदमी आया था सर, यहाँ हम लोग भर्ती थे, यहाँ से पूछा ये राम कौन कौन है तुम्हारे साथ, हमने बताया कि हम लोग 4 लोग हैं। इसके बाद एक लड़का यहाँ से निकल रहा था, ये पानी लेने के लिए जा रहा था, उसको वहीं से पकड़ लिए वो लोग, 4 लोग थे। उसका एक का नाम था, क्या नाम था, एक का नाम बिजनू और कुछ कोष्टक धीरज, दोनों पकड़ लिए उसको वहीं ले गए, 3 मंजिले से ऊपर से फेंक रहे थे, मारे उसको। तीन तीन लेडीज थी लड़कियां, वही उसको जब फेंक दिए तो वो सल्ट पकड़ लिए, काफी हल्ला की, वही लड़कियां जो है उन लोगों को बचाई। फिर एक बार हम लोग उधर जाने के तो लोग खेदने लगे, अब कुछ कुछ औजार लेकर आया था जो उसका जेब ऐसे फूला था, पकड़ा था। जब पुलिस ले गई उन लोगों को नीचे, फिर पुलिस हम लोग बुलाया, पुलिस आई, पुलिस उन लोगों को पकड़ के ले गई, उस लड़के को भी ले गई और उस लड़के के ले गई जिसको फेंक रहे थे। 4 लोग थे, लड़का अकेला था और हम लोग यहाँ भर्ती थे। और हमको लोगों को कल रात में ये लोग औरतें जो है शौच क्रिया के लिए निकली थी, ये लोग आपस में छिपे थे, जब ये आदमी की आने की आवाज दी ये लोग खड़ी हो गई, बोला तुम कौन हो? बोले हम लोग औरत हैं, इसलिए वो लोग बाज गए, असली हरकत करने लगे, जो कि पहली औरत बड़ी वाली विरोध की मेरी बीबी, तो उसको धारदार हथियार से मार दिए तो गिर गई पड़ाक से। ये कल की बात है, कल 7 बजे की, ये आज की बात है। लड़का था वो 15-16 साल का है, फेंक चुके थे लेकिन लड़कियां पकड़ ली। यहाँ सबसे आप गवाह ले लीजिए। शुभ नाम है मेरा, राम सहोदर। ऐसा है जो बच्चे को पहले मारे आए सब, वो सब और मारने बाद वहां पर लटका दे, जब नहीं थे, जब लटका दिए थे वहाँ गए थे, जब लटका दिए थे वहाँ पर, लटका दिए थे उसको पकड़े पकड़े दो तीन लड़कियाँ पकड़ी, हम लोग दौड़ गए उसके बाद पकड़ा वकड़ा, लेकिन उसको लटका दिए, छोड़ने वाले ही थे तो पकड़ लिए सब लोग, और वो मर जाता, अगर गिर जाता तो मर जाता नीचे, इतने बड़े दुर्घात जो साहस उन्होंने किया कि हंस जाता, ऐसा तो साहस हमने नहीं देखा था। कितना मंजिल ऊपर था वो? 3 मंजिल, यही यही नीचे, यही 3 मंजिल के ऊपर।
पहला मंजिल नीचे गिर जाता ना। इस तरीके की घटना आपने पहले कभी देखी? अरे अभी अभी तो हमने आँख से नहीं देखा, अभी नहीं आँख से देखा, मौके से जो देखा है अभी आँखों नहीं देखा। अरे अरे बहुत घटना है, बहुत गजब है। बाप वो मर जाता निश्चित नीचे गिर जाता था। आप कहाँ से आए? हम तो वही रामनगंज से। रामनगंज से यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ अपने मैडम को लेकर भर्ती है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर। ओ भैया से पूछ लीजिए, ये भी है।